का दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर बताइए क्या बात हुई है, तो मैं बता दूं, मैं एक घर की जो शादी थी उसमें बिजी था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज मैं फ्री हो गया, तो आज के बाद कंटिन्यूसली वीडियोज आएंगी, तो आप लगातार देख सकते हैं। तो अभी मैं आया था, फ्री हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बना दी जाए, उसके बाद कुछ काम किया जाए। तो मैं अभी आता ही जा रहा हूं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैं किस किस चीज़ से अर्निंग करता हूं, क्या क्या सोर्सेज हैं मेरी अर्निंग के, उसकी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, जिससे आपको आगे समझ में आ जाए कि मेरी वीडियो किस किस टॉपिक पे आने वाली हैं। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 1501 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि मैं रीसेलिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो रीसेलिंग से अर्निंग करता हूँ। रीसेलिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ मैं रीसेलिंग में? 1501, ग्लोरोड, वोप्लर वगैरह वगैरह जो एप्लीकेशन है उनको यूज करता हूँ। दूसरा क्या सोर्स है? दूसरा, आप मेरी वीडियोज देखते हो तो मेरे दो चैनल है यूट्यूब पर, एक है हेल्पर क्लब, एक है वीमेक रीसेलर। दोनों मोनेटाइजिंग चैनल, एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग होती है, स्पॉन्सरशिप से होती है, रिव्यू से होती है, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह बहुत सारे तरीकों से इनसे भी अर्निंग होती है। तीसरा क्या सोर्स है? मैं यूसी न्यूज पर भी आर्टिकल लिखता हूँ, तो वहाँ से भी हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, वहाँ पर हम शायरी टाइप में लिखते हैं। चौथा सोर्स क्या है? हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग मतलब आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह पर, तो वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। पांचवा तरीका क्या है? हम एफिलिएट मार्केटिंग यूज करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पर क्लब यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं एफिलिएट के लिंक नहीं देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कम देता हूँ। पांचवा क्या है? हम पेड कोर्स वगैरह लाते रहते हैं, पेड प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करते हैं, और पेड ई बुक वगैरह बेचते हैं, तो उससे भी अच्छी खासी हम अर्निंग कर लेते हैं। अगला क्या है? हम एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं, वेबसाइट वगैरह डेवलप करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। ई बुक वगैरह हम लिखते हैं, तो वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से हम अर्निंग कर लेते हैं अच्छी खासी। और आगे जो वीडियो आने वाली हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पर आने वाली हैं। और हमारे वैसे तो और सारे तरीके हैं, जैसे हम एप्लीकेशन अपने बनाते हैं तो खुद के एप्लीकेशन में भी एडवर्टाइजमेंट चला के हम उनसे भी अर्निंग कर लेते हैं, तो उससे भी हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। स्पॉन्सरशिप वगैरह हम ले लेते हैं कंपनियों से काम ले लेते हैं। हम डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सेल करते हैं, हम फिजिकल प्रोडक्ट इतने ज़्यादा सेल नहीं करते, उससे ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम फ्रीलांसर का काम करते हैं, तो उससे भी हम अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अर्निंग के, जो कि हम धीमे धीमे आगे की वीडियोज में आपको बताते चलेंगे। आर्टिकल राइटिंग वगैरह, फाइबर पे काम करना, फ्रीलांसिंग का काम करना, रीसेलिंग में कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगली वीडियोज में आएंगी। बस इस वीडियो में बस मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ये नोटिफाई करूँ कि हम आ चुके हैं अब आपके लिए वीडियो चलाने के लिए। और एक और कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि यूट्यूब पर 1000 व्यूअर का कितना पैसा मिलता है, तो मैं अपने वीमेक रीसेलर चैनल की बात करूं तो 1000 व्यूअर का $1 आराम से मिल जाता है, और अगर बात करूं हेल्पर क्लब की तो 10000 व्यूअर का $1 आराम से वहां पे मिल जाता है, कभी कभी 7000 का $1। लेकिन वीमेक रीसेलर पर मेरे को अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है, अगर 10000 व्यूअर आते हैं तो मेरे $10 डेली के हो जाते हैं। मेरे एवरेज व्यूअर रहते हैं आराम से 18-20 हज़ार व्यूअर पर डे के रहते हैं, तो $18-20 की इनकम बहुत ही आसानी से हो जाती है, 1400-1500 रुपये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू।
तो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। सब्सक्राइबर लाइक वगैरह के कमेंट वगैरह के पैसे नहीं मिलते, तो आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसके तो वैसे भी पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन हमें अच्छा लगता है अगर आप कमेंट और लाइक करते हो। तो अब कल से अच्छी तरह से वीडियो आएंगी, अभी मैं आता जा रहा हूँ, नहाया भी नहीं हूँ, तो ऐसी कंडीशन है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो गई है, आपको पता है कि शादी का माहौल होता है तो कैसी हालत हो जाती है। और कमेंट करके आप भी बताइए कि अगर आपके यहाँ पर शादी वगैरह का माहौल होता है तो आप कैसे उसे मैनेज करते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।